हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से। तो हमने आपको चैप्टर 5 तक पढ़ा दिया था, आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसमें हम वचन के बारे में जानेंगे। वचन को हम इंग्लिश में नंबर्स भी कहते हैं। तो इसका दो अर्थ होता है, या तो संख्या या वचन, यानी शब्द के जिस रूप से अगर इसको परिभाषा में ढाला जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक यानी एक से अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, कौवा पेड़ पर बैठा है, यानी यहाँ पर एक कौवा पेड़ पर बैठा है। तो इसलिए ये जो आप रंगीन शब्द देख रहे हैं इसमें कौवा है, और इसी वाक्य को इस पेड़ पर आप देख रहे हैं दो कौवे बैठे हैं, तो इसलिए कौवा से हो गया कौवे, तो कौवे पेड़ पर बैठे हैं। तो इस तरह से कौवा और कौवे यानी एक और एक से ज़्यादा, तो ये हो गए वचन के पहचान वाले वाक्य। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ लड़का साइकिल चला रहा है, एक लड़का साइकिल चला रहा है, और यहाँ लड़के साइकिल चला रहे हैं। तो ये जो रंगीन शब्द है आप देख रहे हैं, लड़का और लड़के, यानी एक से यहाँ ज़्यादा लड़के हैं, इसलिए लड़का से लड़के हो गए, तो इसलिए ये वाक्य बदल गया। शब्द बदलने से वाक्य भी बदल जाता है। तो वचन में यही देखा गया है कि एक से एक या एक से अधिक के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं ये, और इन्हें ही वचन कहते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम मतलब कोई भी नाम, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, और उसके बदले में अगर आप कोई भी सर्वनाम शब्द यूज कर रहे हैं वो अगर संख्या में एक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, ये जानवर है चूहा, ये वस्तु है, ये पक्षी है, ये भी एक जीव है, और ये मनुष्य की आँख है। तो इस तरह से हर तरह के चीज़ों का उदाहरण दिया गया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि चाहे वो कोई जानवर हो या कोई वस्तु हो या कोई पक्षी हो या वो कोई जीव हो या फिर मनुष्य हो, तो वो सभी अगर संख्या में एक हैं तो उनको हम इस तरह से सिर्फ उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि चूहा, पंखा, तोता, तितली, आँख, इस तरह से। और इसलिए ये एक वचन कहलाएंगे क्योंकि ये संख्या में एक हैं, तो एक वचन के अंतर्गत आते हैं। उससे ठीक उल्टा ये जो आप देख रहे हैं उसका दूसरा भेद बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ठीक उन्हीं चित्रों को दोबारा से दिया गया है आपके समझने के लिए, लेकिन वो संख्या में एक से ज़्यादा हैं। और ये आप देख रहे हैं जैसे ये यहाँ एक चूहा था, यहाँ एक से ज़्यादा चूहा है, तो इसको बोलेंगे चूहे। शब्द भी बदल रहे हैं, संख्या ज़्यादा हो जाने से शब्द बदल जाते हैं। पंखा से हो गया दो पंखा तो हो गए पंखे, दो तोता तो दो तोते, यहाँ तीन तितलियाँ दिखाई दे रही हैं तो तितली से हो गई तितलियाँ, यहाँ शब्द बदल गया, ये बहुवचन वाले शब्द हो गए तो तितली से तितलियाँ, तो या और चंद्रबिंदु लग गया इसमें। उसके बाद एक आँख से ये दो आँखें हो गई, तो आँख से हम कहेंगे आँखें यानी दो आँखें।
तो इस तरह से एक वचन में जिस शब्द को हम सिर्फ नाम से बुला रहे थे, ठीक जब वो संख्या में एक से ज़्यादा हो गए तो हम उसमें या तो एक ही मात्रा लगाकर शब्द को बदल देते हैं, या फिर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं, और या फिर एक ही मात्रा और बिंदु लगा देते हैं। तो इस तरह की मात्राओं को लगाकर हम शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। इसके अलावा भी कुछ नियम हैं जो आप जान लें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ, मतलब अगर किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ आता है और ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं, यानी पुल्लिंग शब्दों के अंत में जब आ आता है तो उस आ को हम ए बना दें तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे चूहा से बन गया ए लगा दिए, चूहा में आ आता है और उसमें ए लगा दिए तो बन गया चूहे, ये पुल्लिंग शब्द है। पंखा, पंखा में आ आता है और हमने ए लगा दिया तो ये बहुवचन में बदल गया तो बन गया पंखे, पंखा से पंखे, यानी आ से ए। तोता, तोता भी बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें ता आ की मात्रा है, अब हम इसमें ए की मात्रा लगाकर इसको बहुवचन शब्द में बदल सकते हैं, तो तोता से हो गया तोते। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, जैसे खिलौना, सब में आ की मात्रा आ रही है, खिलौना, पौधा, चेहरा, घोंसला, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, और इनको जब ये एक वचन है, एक वचन में है, जब हम इनको बहुवचन में बदलेंगे तो ये ए की मात्रा लगेगी और तब ये बन जाएंगे इस तरह से, खिलौना से खिलौने, सब में ए की मात्रा, ये बहुवचन में तब्दील हो रहा है। तो उसके बाद पौधे, चेहरे, चेहरा से चेहरे, घोंसला से घोंसले, तो यानी आ से ए, ए की मात्रा लगेगी। ये इन चीज़ों पर आप ध्यान दोगे कि पुल्लिंग शब्दों को कैसे बहुवचन में बनाया जा सकता है और कौन सी मात्रा लगेगी। उसके बाद देख रहे हैं इधर, बाजा, रुपया, पत्ता, बगीचा, बाजा से बाजे, रुपये, पत्ते और बगीचे, इस तरह से एक ही मात्रा लगी और ये पुल्लिंग शब्द बहुवचन में बदल गए। उसके बाद एक और नियम है जो जान लें आप, पुल्लिंग के बाद है स्त्रीलिंग शब्दों की बारी आती है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आ आता है उसको ए जोड़कर, यानी ए के ऊपर चंद्र बिंदु, यानी ए का उच्चारण करेंगे और इस तरह से ये मात्रा हम लगाएंगे, उसको हम बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे कक्षा, हवा, शाखा, कविता, ये चारों शब्द स्त्रीलिंग हैं और इनके अंत में आ की मात्रा लगी है, इनको हम जब बहुवचन में बदलेंगे तो कक्षा से कक्षाएं, हवा से हवाएं, शाखा से शाखाएं, कविता से कविताएं। तो सब में आप देख रहे हैं कि ये आ से बन गए एं, ए और चंद्र बिंदु, तब ये बहुवचन शब्द में बदल गए। उसके बाद कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं, कथा, बालिका, भाषा और माता, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनको भी जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो ए और चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। जैसे कथा से कथाएं, बालिका से बालिकाएं, भाषा से भाषाएं, माता से माताएं, इस प्रकार। उसके बाद तीसरा नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ, यानी बिना मात्रा के अगर सिर्फ अ आता है तो भी उनके बाद हम ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे ए और चंद्र बिंदु की मात्रा लगेगी। तो ये जो हैं, लेकिन इसको हम ए की मात्रा और बिंदु बनाकर दिखा सकते हैं। जैसे ए की मात्रा अ आ ई ई उ ऊ ए, ए की मात्रा, ए और बिंदु। तो दुकान, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है मगर एक वचन में है, दुकान, दीवार, पलक,
याद। अब इसको बहुवचन में कैसे बदलेंगे, तो बहुवचन में बदलने के लिए हम इसमें एक ही मात्रा और बिंदु लगा देते हैं, जैसे दुकान से दुकानें, दीवार से दीवारें, पलक से पलकें, याद से यादें, इस प्रकार। उसके बाद झील, पुस्तक, वाहन और किरण, ये चारों भी स्त्रीलिंग शब्द हैं और ये बिना मात्रा वाले हैं, यानी इनके अंत में अ लगा हुआ है। इसलिए इनको जब हम बहुवचन में बदलेंगे तब इनमें भी हम ए और बिंदु लगाएंगे, एक ही मात्रा और अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे झील, झीलें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहने, किरण, किरणें, इस प्रकार। तो बच्चों अब आप समझ गए कि पुल्लिंग में किस तरह से बहुवचन बनते हैं और स्त्रीलिंग में अगर आ आए तो किस तरह बहुवचन बनेंगे, अगर अ आए तो किस तरह बहुवचन बनेंगे। इसके अलावा कुछ और भी जानकारियां ले लेना जरूरी है, जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर अ और आ ना आकर ई आ गया, हर्षई और दीर्घई, तो इसको कैसे बदलेंगे। तो अगर शब्द के अंत में ई और दीर्घई आ गया, हर्षई और दीर्घई की मात्रा आ गई, तो इसमें हम ईयां लगा सकते हैं, यानी जब हम उसको बहुवचन में लिखेंगे तो उसके अंत में हम ईयां लगाएंगे, यानी या और चंद्रबिंदु। सबसे पहले तो हम जो दीर्घई की मात्रा है उसको हम हर्षई की मात्रा में बदलेंगे। हर्षई की मात्रा में बदलने के बाद अंत में हम या और चंद्रबिंदु लिखेंगे। इसको आप इस तरह से उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे आप देख रहे हैं मूर्ति, मूर्ति में हर्षई की मात्रा है तो मूर्ति से बन गया मूर्तियां। ये देख रहे हैं आप मूर्ति, उसी तरह से लिखा पर बाद में या और चंद्रबिंदु की मात्रा लगाई। लेकिन यहाँ आप देखिए रोटी, रोटी में ये दीर्घई की मात्रा है, तो क्या बहुवचन में भी दीर्घई की मात्रा होगी? नहीं, हमेशा बहुवचन में हर्षई की मात्रा होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बदल गया, दीर्घई से हर्षई में बदल गया और यहाँ लग गया, तो रोटी से बन गया रोटियाँ। फिर कहानी, कहानी से इसमें भी आप देख रहे हैं दीर्घई की मात्रा है जो हर्षई में बदल गया। लिखते समय हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारा स्पेलिंग गलत हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि दीर्घई हर्षई में बदल जाएगा जब वो बहुवचन बनेगा। तो ये देखिए कहानियाँ, मिठाई से मिठाइयाँ, ये भी आप देखें इसमें से दीर्घई की मात्रा हटा दी गई, बड़ी से ये छोटी ही बन गई, तो मिठाइयाँ। उसके बाद चींटी, कली, डाली, गोली, इन सभी में आप देख रहे हैं कि दीर्घई की मात्रा लगी है, लेकिन जब इनको बहुवचन में बदलेंगे तो आप देख रहे हैं इन सभी में हर्षई की मात्रा लग गई, तो ये दीर्घई से हर्षई में बदल गया। तो चींटी से चींटियां, कली से कलियां, डाली से डालियां, गोली से गोलियां, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से वचन के इतने सारे नियम हो गए, ये सारे नियम हो गए। इन नियमों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इनके जो परिभाषा है और भेदों की परिभाषाएं, भेदों की पहचान, वो भी याद कर लें, तब जाकर आप एक वचन से जब बहुवचन में किसी शब्द को बदलेंगे तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और कुछ नियम हैं, तो ये जो नियम है अंत में एक और नियम है, एक वचन के साथ अगर जन, गण, वर्ग, वृंद लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे गुरु के साथ गुरुजन, अध्यापक के साथ अध्यापक गण, लेखक के साथ लेखक वृंद, ये बहुवचन बनता है। ये थोड़े अलग तरह के हैं, इनको जरूर ध्यान देंगे, भक्त जन, छात्र वर्ग या संपादक गण, इस तरह से। तो ये हो गया आज का आपका चैप्टर।
ये जो है ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आप जरूर से जरूर ध्यान दोगे। धन्यवाद।